पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत में हुए बुलडोजर एक्शन पर प्रतिक्रिया दी है। इमरान खान ने ट्वीट किया है, भारत में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाली बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले भारतीय मुसलमानों के घरों को ढहा दिया गया, ये बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि अपने मुस्लिम नागरिकों के साथ ही दुनिया भर के मुसलमानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जगह भारत सरकार मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर उनके घरों को गिरा रही है। वो आगे लिखते हैं, ये अमानवीय है, इस फासीवादी कार्रवाई की पूर्ण रूप से आलोचना होनी चाहिए और ये बिल्कुल इसराइल की तर्ज पर है। भारत में बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ हुए ये प्रदर्शन कई जगहों पर हिंसक हो गए थे। प्रदर्शनों के बाद सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में प्रयागराज में हिंसक प्रदर्शनों के अभियुक्त जावेद मोहम्मद का घर अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर से तोड़ा जा चुका है। अब पुलिस विरोध प्रदर्शन की जांच कर रही है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को कहा था कि भारत ने मुसलमानों को दबाने और उन्हें धमकाने का कठोर तरीका अपनाया है। उन्होंने ट्वीट किया था, भारत की योजना मुसलमानों को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर धकेलने की है। भारत के लोकतांत्रिक चेहरे की असलियत दुनिया के सामने आ गई है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई को तुरंत रोका जाना चाहिए। जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है, वे प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनके घरों को ढा दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है, जो मुसलमान अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, उनके खिलाफ निर्दयता पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा, प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ बल प्रयोग किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिसे दिल कर रहा है उसे हिरासत में लिया जा रहा है, और अपने लिए आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों का इस तरह दमन करना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का सीधा साधा उल्लंघन है।